Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today I'm going to give you a general lecture or idea about the paper pattern or Bachelor's of Art paper pattern. And but before that I want to share something with you that I'm not sure ki which course you are reading, you are studying currently, or what kind of board or paper do you follow. But the purpose of this video is to give a general idea of what kind of questions can come from the topics I am sharing with you already on my channel. And ये जो है BA part 1 और BA part 2 दोनों के मैं papers आज आपसे discuss करूँगी of English elective, ताकि आपको idea हो जाए that what kind of questions can come. So let's start. The first question is, explain with reference to the concepts any three of the following. यानी कि ये जो हमारा कोर्स है उसमें से कुछ दिए गए हैं लाइंस, वो हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट के जरिए हमने एक्सप्लेन करनी है. लाइक फर्स्ट वन इज, नो आई एम नॉट वीप, आई हैव फुल कॉज ऑफ वीपिंग, बट दिस हार्ट शैल ब्रेक इनटू 100,000 फ्लॉज और एयर आई विल वीप, ओ फूल आई शैल गो मैड. दिस इज फ्रॉम किंग लियर. इसमें आप सारा डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आप बताएंगे कि कहाँ से कौन सी बुक से लिया है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. देन यू विल गिव ए जनरल समरी of the play, entire play, and then in the explanation you'll explain these lines. So the second one is, fortune serves all famous men. This is from Napoleon, from modern English prose. The third one is, men and nations fall by the same powers as those by which they rise. This is from Napoleon too. Then when we are born, we cry that we are come to this great stage. Then another one, liberty means responsibility. This is why most men dread it. This is from George Bernard Shaw's Man and Superman. This is also a play in the course. So I hope ki aap logon ko idea ho raha hai ki kis kisam ki RTCs aati hain, depending upon the course you're studying right now. Phir uske andar ye thi choices, jisme se three jo hai attempt karne. Then uske baad questions aa jate hain, remaining questions jo attempt karne hain. Like, is King Lear a tragic hero of the play? King Lear, please discuss. यानी कि आपने डिस्कस करना है कि किंग लियर जो है ये वैसे भी एक ट्रेजेडी है, तो हाउ किंग लियर इज द ट्रेजिक हीरो इन इट. देन क्रिटिकली एनालाइज मैन एंड सुपरमैन एज अ फिलोसॉफिकल प्ले. मैन एंड सुपरमैन जो है जैसे कि एक फिलोसॉफिकल प्ले है, वी कैन नॉट डिनाई इट. उसके अंदर शॉ ने अपने सारे आइडियाज प्रेजेंट किए हैं, तो जो है वो आप डिस्कस करें कि कैसे ये फिलोसॉफिकल प्ले है. गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ करेक्टर ऑफ ऑक्टेवियस रॉबिन्सन फ्रॉम द प्ले मैन एंड सुपरमैन. ये भी बहुत ईजी है, ऑक्टेवियस रॉबिन्सन का करेक्टर स्केच लिखना है. डिस्कस फाइव मेजर थीम्स ऑफ द प्ले किंग लियर. जो मेन थीम्स हैं किंग लियर के वो डिस्कस करने हैं, लाइक मैडनेस, कॉन्फ्लिक्ट, पावर एंड ईविल, एनीथिंग लाइक दैट. एलैबोरेट द कॉजेज ऑफ द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन एज स्टेटेड इन द एसे टाइटल नेपोलियन. यानी कि सिंपली उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से प्रेजेंट किया, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि जो हमारी बुक में मॉडर्न इंग्लिश प्रोज में नेपोलियन है उसके अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है. गिव द समरी ऑफ इट, सिंपली जस्ट दिस. सो इनमें से आपने करने हैं फाइव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने, ये कंपलसरी हैं फाइव क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज कंपलसरी, वो आपने करना है. बाकी रिमेनिंग में से जो बाकी के चार बनते हैं वो आपने इस करने हैं, एंड योर पेपर विल बी कंप्लीटेड. दिस वॉज द पेपर ऑफ बी ए पार्ट टू. नाउ आई विल डिस्कस द पेपर ऑफ बी ए पार्ट वन. सो दिस पेपर इज बी ए पार्ट वन इंग्लिश इलेक्टिव. इसमें ज़्यादातर पोइट्री है इसके अंदर, तो द क्वेश्चन नंबर वन इज़ अगेन कंपल्सरी. उसमें से आपने फोर जो है उनकी आर टी सी करनी है. सो द फर्स्ट वन इज लाइक द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सोनेट है वर्ड्सवर्थ की, उससे है. देन द सेकेंड वन इज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज वन नीड्स टू नो ऑन अर्थ, ये नीड्स टू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये जो है उससे है ओड ऑन ग्रेशन अर्न से बाय कीट्स. ऑल्सो द थर्ड वन इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सारा आर टी सी के, मुझे आंसर्स दें और बताएं कि कौन सी पोइम से ये लिए गए हैं. देन द दिस वन दिस ग्रिल आई गेव कमेंट्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर. ऑल्सो मुझे बताएं इसको अभी कमेंट सेक्शन में कि कहाँ से लिया गया है. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. ये ode to the west wind से लिया गया है. Then, we are the hollow man, we are the stuffed man.
ये भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में या इसी के अंदर लिखा हुआ है कि कौन से पोएम से है, रीड द टाइटल एंड यू नो. फिर उसमें से क्वेश्चंस आगे आ जाते हैं, इनमें से आपने अटेम्प्ट करने एनी फोर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन के साथ मिलाकर फाइव फिर हो जाएंगे. लाइक राइट अ नोट ऑन कॉलवेज़'स पोएम कुबला खान, व्हाट मेक्स द पोएम सो ब्यूटीफुल. कुबला खान जो पोएम है कॉलवेज की, उसके बारे में आपने क्रिटिकल अप्रिसिएशन देनी है, समरी उसकी लिखनी है, सो उसी में आगे एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. देन व्हाट इज़ द थीम ऑफ कीट्स ओड टू नाइटिंगेल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, और जो है इसके बारे में अभी आपने क्रिटिकल अप्रिसिएशन देनी है. व्हाई ऑल ग्रेट पोएट्स मे ट्रिब्यूट टू मिल्टन. फिर ये एक जनरल क्वेश्चन है, लाइक कि मिल्टन के बारे में आपने लिखना है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, और व्हाई ही इज़ मच इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. फिर आपने लिखा है व्हाट डज टेनिसन टेल अस अबाउट हिज पोएम यूलिसिस, यानी कि उसकी जो पोएम यूलिसिस है टेनिसन की, उसके बारे में आपने समरी लिखनी है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी है. देन व्हाट इज शेली ट्राइंग टू से इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, और जो है इसकी उसकी भी हमने बताना है कि मेन थीम्स जो है वो, और मेन आइडिया शैली क्या दे रहा है ओड टू वेस्ट विंड पे. देन व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएटिक क्रीड ऑफ वर्ड्सवर्थ बाय हिज द सॉलिटरी रीपर, यानी कि जो पोएम है उसकी द सॉलिटरी रीपर, उसके अंदर वर्ड्सवर्थ के क्या उसे पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है. सो यू हैव टू डिस्क्राइब हाउ ही इज़ द पोइट ऑफ नेचर एंड हाउ ही हैज़ डिस्क्राइब नेचर इन हिज पोएम द सॉलिटरी रीपर, एंड क्या उसका स्टाइल है, एंड वाई वर्ड्सवर्थ इज़ नोन फॉर वट थिंग ही इज़ नोन फॉर. सो दिस वॉज द जनरल पेपर पैटर्न ऑफ बी ए पार्ट वन. होप कि आप लोगों को इन पेपर से कुछ आइडिया हुआ होगा कि वट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम. सो अगेन आई एम मैंशनिंग द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज जस्ट टू मैंशन और गिव यू एन आइडिया द वट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम द टॉपिक्स और वी हैव स्टडीड और यू हैव इन योर कोर्स इफ़ यू हैव दीज टॉपिक्स और दीज बुक्स. एंड मुझे नहीं पता कि डिफरेंट बोर्ड्स का या डिफरेंट कैसे होगा, बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट पेपर पैटर्न यू कैन से, बट दिस इज़ द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन दैट मे कम फ्रॉम इट. सो होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल.